वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तुहाडा स्वागत है जी मेरा अज दे इस व्लॉग दे विच। सो असी पिछले साल की तरह इस साल भी जा रहे हैं। पिछले साल असी गए सीगे जी जून महीने दे विच तख्त श्री हजूर साहब, लेकिन इस वारी जा रहे हैं जी असी जून महीने दे विच तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब बिहार, जो कि थोड़ी देर तक साडा आटो आएगा तो असं अपने आटो के रखा अपना समान रख के तो फिर जावे स्टेशन के उत्ते। हूँ मैं खड़ा हाँ जी अपने घर के बिल्कुल बाहर, तो मिलेंगे जी असी अपने आटो के रखा समान, तो उस तो बाद जावे स्टेशन पर। बाकी सारी जानकारी अपना जी न उत्थे जाके करांगे सांझी। तो हूँ असी अपने आटो की इंतजार कर रहे हैं, आटो के रख के समान फिर आप जी को मिलते हैं जी, दिखाने अपने कड़े आटो के रखते हैं समान, तो मिलेंगे आप जी असी अपने आटो के। सो साडा हुण ए ई रिक्शा आ गया वे, इसे रिक्शे दे विच असीं अपना रखांगे अपना समान रख के आ जिहड़ा साडा समान पिया, ते साडे आ खड़े ने घर दे नाल स्टेशन ते जाण लई। ते हुण फटाफट असीं आटो दे विच रख लैंदे आ जी अपना समान, ते समान रख के ते मिलदे आ आप जी नूं, चलांगे स्टेशन दे उत्ते। रखो समान, रखो फटाफट, रखो मम्मी रखो समान, रखो जल्दी रखो समान, बउआ समान रखा दे, जल्दी करो सारा सैट करो फटाफट समान। हाँ जल्दी इतने रखियो, इतने रखियो, रखो रखो सर, सारा रख रहे हैं जी फटाफट समान असी अपने ई रिक्शा दे विच। ये खड़ा साडा बिस्मत सिंह कित्थे जा रहे हैं, कित्थे जा रहे हैं, पटना साहब जा रहे हैं। इन्हू बहुत ही शौक है जान का पटना साहब, पिछली बारी हजूर साहब गया से, हूँ इस बारी जा रहे हैं पटना साहब। जसलीन कहाँ जा रही है, कितने जा रही है, हैं कितने जा रही है, पटना साहब। कितना मजा आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। सो एक अटैची सी रखता उपर अपने छत के उपर, तो बाकी घर दे रख रहे ने समान। हूँ समान साडा आलमोस्ट सारा रखा गया। सो हूँ असी अपने आटो में रख लिया वा समान, तो हूँ चलन तो पहला एक लगा दी असी जयकारा, बोले सो निहाल श्री अकाल। तो चलते हैं जी, हूँ बैठते हैं अपने आटो के चलते हैं स्टेशन पर, तो मिलेंगे आप जी को स्टेशन के उत्ते जाके चलते। सो हूँ असी पहुँच चुके हैं जी लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर, जिहड़ा तुसी देख रहे हो बाहरों जी, ये लुधियाना का रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं स्टेशन अंदर, तो माता जी खड़े ने मेरे, बाकी समान से सारा अंदर छड़ आया मैं, तो चलते हैं अंदर स्टेशन से। सो हूँ असी मैं जा रहा जी स्टेशन के अंदर, आटो वगैरह बाहर ही उतार दिता मैं स्टेशन से, तो हूँ असी स्टेशन अंदर जा रहे समान लैके, तो मिलते हैं उत्थे आप जी को। सो हूँ पहुँच चुके हैं वहाँ जी मैं लुधियाना के रेलवे स्टेशन से, तुम मेरे पिछे देख रहे हो लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। सो समान अंदर लिया बस हो गई है, क्योंकि स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो आप जी भी अगर ध्यान देना कि जो आप जी ने भी आना है अगले तीन साल वास्ते, दो तीन साल वास्ते आप जी को दसा कि अगले दो तीन साल वास्ते लुधियाना का रेलवे स्टेशन बंद हो रहा है। सो अगर आप जी ने जो भी आने का प्रोग्राम हैगा कि आप जी ने ट्रैवल वगैरह करना, तो आप ये जांच पड़ताल करके आओ कि तुहाडी गड्डी कहड़े स्टेशन पर आनी, तुहाडी गड्डी लुधियाना रेलवे स्टेशन पर आनी है, जां कुछ ट्रेनों का इन्होंने टाइम चेंज करता है, तो कुछ ट्रेनों ने कर दित्तियां वा ढंडारी कला रेलवे स्टेशन के उपर। सो जो भी आप जी ने ट्रैवल करना, तो आप जी ये सुनिश्चित करके आओ कि तुहाडी ट्रेन कित्थों जानी है, लुधियाना एल ए लुधियाना मेन लुधियाना जंक्शन स्टेशन तो जानी है, जां ढंडारी कला रेलवे स्टेशन तो जानी है। तो सो चलदे आं असीं हुण असीं स्टेशन के अंदर, तो देखते हैं किन्ने नंबर पर आएगी साड़ी ट्रेन अज्ज दी अकाल तख्त एक्सप्रैस के नाल। आप जी नूं मिलावांगे अज्ज साडे नाल जिहड़े जिहड़े जो जो परिवार जा रहे हैं, जिन्हें मैंबर जा रहे हैं, टोटल साडे नाल 18-19 मैंबर ने, तो आप जी नूं सारयां नूं मिलावांगे साडे नाल अज्ज कौन कौन जा रहा वा। सो चलते हैं जी असीं लुधियाना रेलवे स्टेशन के उपर, तो मेरे पिछे लग्या तुसीं उपर देख रहे हो फ्लैग इंडिया का। Oh,
लुधियाना स्टेशन के अंदर तो देखते हैं किन्ने नंबर से आती है जी साड़ी ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रैस नंबर से सारी। सो हुण जा रहे हैं असं स्टेशन के अंदर लुधियाना स्टेशन के अंदर, ये वह सामने लुधियाना रेलवे स्टेशन। सो आ गया हूँ लुधियाना रेलवे स्टेशन के अंदर, तो रश तुम देख सकते हो कि रश है स्टेशन के अंदर। ओह बहुत ज़्यादा रश है स्टेशन के 7:29 हो चुके हैं। सो हम असं पहुँच चुके हैं जी लुधियाना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उपर, तो रश तुम देख सकते हो मेरे पिछे कि खचा खच भरया हो लुधियाने का रेलवे स्टेशन तुम देख सकते हो। इन्ना का बुरा हाल है स्टेशन के उत्ते, इन्ना रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सो साहो साह पसीना पसीना हो गया ट्रेन के, पता नहीं 10-15 7:30 हो 8 बजे की ट्रेन है जी साड़ी, आप जी दिखावे हूँ आ रही है जी 12716 सचखंड एक्सप्रैस ट्रेन का टाइम है। सो हूँ मैं खड़ा जी लुधियाना रेलवे स्टेशन के उपर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उपर, तो दिखाते हैं अज साडे नाल जिहड़े जिहड़े मैंबर साडे जा रहे हैं पटना साहिब। सो दिखाते हैं सारे आप जी कराने दर्शन, इधर है खड़े साडे माता जी, ये गगन खड़ी है, ए बिस्मन, ये बिस्मन खड़े है, ये सारे साडे घर के खड़े है, इधर देखो, हाँ जी इधर देखो जेडे सारे देख रहे थे सारे ने साडे नाल जाना जी पटना साहिब, कुछ इधर खड़े ने कुछ है बैठे ने साडे नाल जाण वाले, माता जी एक छोटी कुड़ी जा रही है, ते ए दो बंदे ए साडे ए खड़े ने, एक अंकल खड़े ते एक खड़े हरमन सुखा, ए भी साडे नाल ही अज जाण गए जी पटना साहिब। असीं सारे ने इकट्ठे जाना, साडा हैगा तकरीबन 18 बंदियां दा ग्रुप है। सो हुण रश बहुत ज़्यादा वा, सो आप जी नूं मिलांगे हुण जदों साडी ट्रेन का टाइम होएगा शो, लेकिन हजे सब तो पहला आनी है 12716 सचखंड एक्सप्रैस आ रही है जिहड़ी मेरी की सब तो पसंदीदा ट्रेन सचखंड एक्सप्रैस आन का टाइम है, तो देखते हैं किन्नी देर तक आँदी उस तो बाद साडी अकाल तख्त एक्सप्रैस ट्रेन, तो मिलांगे जी आप जी नूं अकाल तख्त एक्सप्रैस ट्रेन के पहला दिखा। जे अगर हजे तक आप जी ने मेरे चैनल नहीं किया सबसक्राइब, तो चैनल में कर लियो सबसक्राइब ताकि आने वाली अगलिया सारिया वीडियो की नोटिफिकेशन आप जी तक मिलती रहे। सो आप जी दिखावे ट्रेन का पूरा सफर दिखावे, तो उत्थे किस तरह के जाके रुकेंगे सारा आप जी करा शेयर, तो चैनल में कर लियो फटाफट तुम सबसक्राइब। 12318 शो हो रहा साडा कोच है B4, तो सामने तुम देख सकते हो आ गई है अकाल तख्त एक्सप्रैस अपना अपना, इधर साढ़े सारे मैंबर खड़े हुए हैं जान ली, तो साढ़े सारे मैंबर खड़े ने, तो इधर आ गई साड़ी अकाल तख्त एक्सप्रैस, थोड़ा साढ़े नाल ही है ये तुम देख सकते हो आ गई अकाल तख्त एक्सप्रैस। ये देख सकते हो तुम कि रश है इस ट्रेन के, ये है जनरल कोच, ये छोटी गुड़िया जानू बड़ा खुश हो रही है, हाँ भाई मज़ा आ रहा है जाना, हाँ किस तरह बिस्मन आ गई ट्रेन, चलिए ट्रेन च बच्चे वगैरह सारे खुश है बहुत ज़्यादा, ये तुम देख सकते हो स्लीपर क्लास। ये आ गया जी S7 साडा वै कोच नंबर 12318 B4। सो आ गया जी S1 आ गया, तो ये पिछे तुम देख सकते हो आ गया जी AC3 टायर B6 B5 लो जी आ गया B5, चलो अनलगी पिछे चलो, ये रहा जी साडा B4 अकाल तख्त कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रैस। सो B4 दे विच सानू असी सीटा दे बगैरा ते अपना समान वगैरह पहुँचा चुके हैं, तो दिखाते हैं आप जी नूं साडियां कड़ियां सीटा सानू मिलियां वा, चल रहे हैं जी असी ट्रेन के अंदर। ये बिल्कुल ही अंदर वड़ दिया सारी, ए बैठे ने साडे घर दे। सो असी हुण अपने कैबिन दे विच
पहुँच चुके हैं, सानू सीटा मिलिया ने जी किनिया 65, 68, 69, 70 तो तुहानू दिखाने सानू की मिलिया वै ट्रेन के सानू मिलिया जी ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 चादर वगैरह मिली मैं पैकिंग की हुई ने। उस तो बाद मिले जी सानू तुम देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सराने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ 12317 ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਂਝਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਪੂਰੇ 8:13 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਠੀਕ 8:13 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਜ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12318। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਬਾਏ 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 ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਜੈਕਾਰਾ, ਚਲੋ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ B3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਓ ਬੱਚਿਓ ਆਇਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ B3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ AC ਦਾ ਕੋਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜੋ 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 ਬੱਚਿਓ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ B3 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, B3 ਚ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਲੱਗ, ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ 8:34 ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਅਤੇ ਦਹੀਂ, ਇਹ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਦਹੀਂ। ਸੋ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ, ਮਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ। ਸੋ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਛਕ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ।
सो ले लिया जी। हुण असीं अपनी गर्मा गर्म चाह ते लैंदे आं ही। हुण असीं चाह दा नजारा ग्लास च पीनी है। चलो भाई दिखा लो। सो हुण असीं पहुंचे हां जी असीं अज दी यात्रा दे अपने पहले स्टॉपेज जो कि शहीदा की धरती श्री फतेहगढ़ साहब जी का सरहंद जंक्शन रेलवे स्टेशन उपर पूरे ठीक 9:10 पर पहुंची है जी। प्लेटफार्म नंबर 2 के उपर सरहंद जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 2 के उपर पहुंची है साड़ी ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रैस से। देखते हैं 2 मिनट का रुकन का टाइम है इतने तो देखते हैं कितनी देर तक चलती है साड़ी ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रैस। पूरे 3 मिनट रुकन तो बाद साड़ी ट्रेन चली है जी सरहंद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। 9:13 पर निकल गए जी सरहंद जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 1 के रेलवे स्टेशन से। तो हूँ इस तो बाद सीधा रुके भी जाके अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के उपर। सो निकल रहे हैं जी प्लेटफार्म नंबर 2 तो सरहंद जंक्शन रेलवे स्टेशन तो। यह पंजाब का एक बस आखिरला स्टेशन है। इस तो बाद गड्डी हो जाएगी जी अंबाला कैंट हरियाणा के एंटर हो जाएगी। इतने एक ही स्टेशन है पंजाब का आखिरी स्टेशन जी कि सरहंद जंक्शन के उत्ते। हूँ मिलेंगे आप जी ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के उपर। हूँ तुम देख रहे हो साडा कोच बिल्कुल खाली पिया। कोई भी बंदा नहीं है कोच के सारिया सीटा के उत्ते सारी खाली है। तो इधर बैठे ने साडे घर के सारे बच्चे वगैरह उत्ते चढ़ाए हुए ने। असी इधर देखो बच्चे लोग ये साडा बिस्मन बिस्मन मज़ा आ रहा। अच्छा मज़ा आ रहा है। यह जसलीन बैठी है बिस्मन बैठा है। यह साड़ी छोटी गुड़िया बैठी है जसलीन गुरशीश। अज की साड़ी यात्रा साडे मैंबर सब तो छोटा बच्चा ये बैठा है। उस तो बाद बिस्मन सिंह बाकी होर वड्डी उम्र के नाल है बहुत जवान। ये भी फर्स्ट एक कुड़ी चली है पहली बार चली है। गुरशीश भी पहली बार चले ने। जसलीन की मम्मी ये चली है सैकेंड टाइम चले ने। वो माता जी मेरे तुम कितनी बार मम्मी ये तीसरी बार। ये माता जी पहली बार चले है ये भी पहली बार। ये साडा बिस्मन सिंह चले है पहली बार चले। जसलीन चली दूजी बार तो मैं भी चलिया मैं जी दूसरी बार। इधर आ रही है जी सामने देख रहे हैं कड़ी ट्रेन आ रही है। उन्हें खड़े हैं अंबाला कैंट तो पहले आउटर के उत्ते देखते हैं कड़ी ट्रेन आ रही है। सामने खड़ी है मिलिट्री गड्डिया। तो इधर देखते हैं कड़ी ट्रेन आई है गाजियाबाद वैब 5 के नाल शताब्दी एक्सप्रैस नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी। हुण साडी ट्रेन पहुंची है जी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के उपर। तो इत्थे आई है जी प्लेटफार्म नंबर 2 के उपर अज दी साडी ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रैस। यह तुसीं देख रहे हो प्लेटफार्म नंबर 2 ठीक राइट 9:59 तुसीं सामने देख ही रहे हो गए 9:59 पर प्लेन ट्रेन पहुंची है जी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के उपर 9:59 बिल्कुल राइट 9:59 पर प्लेटफार्म नंबर 2 के उपर। तो 5 मिनट ट्रेन का रुकन का स्टॉपेज है इतने तो देखते हैं किन्ने बजे चलती है साड़ी ट्रेन अज्ज दी अकाल तख्त एक्सप्रैस। सो हुण असीं पहुंचे हाँ जी असीं अज्ज दी यात्रा के दूसरे स्टेशन लुधियाने तो चल के पूरा ठीक 114 किलोमीटर दूरी के उत्ते पहुंचे जी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो इतने आई है साड़ी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 के उपर। तो मेरे पिछे गगन आ रही है प्लेटफार्म नंबर 2 के उपर साड़ी आई है ट्रेन। पूरे राइट 10 बजे का टाइम सी तो पूरे 10 बजे पहुंची है जी प्लेटफार्म नंबर 2 के उपर। तो देखते हैं कितनी देर तक चलती है साड़ी ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रैस। तो इतों की हूँ ट्रेन अपनी दिशा चेंज कर लेगी तो हूँ इतों की ट्रेन चलें जाएगी उत्तर पूर्व दिशा वाल मतलब नॉर्थ ईस्ट वाल दिशा वाले ट्रेन जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हूँ इतने हरियाणा का एक ही स्टेशन है जिथे आ ट्रेन रुकती है। तो इस तो बाद हूँ सीधी ट्रेन यूपी के एंटर हो जाएगी जा के जिदा यमुना नगर जगाधरी तो होंगे सब तो पहले उधर नू मुड़ जाएगी नॉर्थ ईस्ट दिशा में यूपी एंटर करेगी ट्रेन। सो यूपी का हूँ सब तो पहला स्टेशन आएगा जी इनका सहारनपुर। सहारनपुर स्टेशन से जाके रुकेगी है ट्रेन थोड़ी 11:20 पर पहुँचेगी सहारनपुर रेलवे स्टेशन के उपर। तो देखते हैं कितनी देर तक इतों चलती है जी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के उपरों। सो आप जी भी जो आप जी ने जो भी पटना साहब जाना तो आप जी एक चीज़ का नोट करना कि आप जी ने जो भी ट्रेन सीटा बुक करानी तो ट्रेन दीटा आप जी ने बुक करानी है। लु आप जी अगर किसी भी स्टेशन जाते हो जा लुधियाने जाते हो
या किसी होर स्टेशन तो जाते हो, अगर जेडे आप पहली बार जाके आए हो या आप जी ने पता होना है, अगर आप जी पहली बार जाना चाहते हो तो आप जी ने ट्रेन सीटा करनी है पटना साहिब रेलवे स्टेशन दिया, क्योंकि पटना जंक्शन तो पटना साहिब दो रेलवे स्टेशन ने। सो आप जी जी भी ट्रेन के सीट बुक कराओ तो आप जी को पता होना चाहिए कि पटना साहिब दिया ही सीटा बुक कराना, क्योंकि पटना साहिब तो जो गुरद्वारा साहब का रस्ता 10 मिनट का है, तो पटना जंक्शन दी अगर आप सीटा करा लोगे तो पटना जंक्शन तो आप जी गुरद्वारा साहब जाने लिए घट्टो घट घंटा सवा घंटा का रस्ता भी टाइम भी लग सकता है। सो आप जी जो भी सीटा बुक कराओ तो आप जी ने कोशिश करना है कि आप जी भी ट्रेन दीटा बुक कराओ वो ट्रेन पटना साहिब तक जाती हो, क्योंकि पटना साहिब तो पटना जंक्शन के दो स्टेशन ने। इधरों की जाते पहला पटना जंक्शन आता है, उस तो बाद आता जी पटना साहिब रेलवे स्टेशन। तो आप जी जो भी सीटा बुक कराओ तो पटना साहिब रेलवे स्टेशन के उपर सीटा बुक कराओ। तो असं अज जी ट्रेन दे जा रहे हैं, साड़ी ट्रेन का नंबर है जी 12318 अकाल तख्त एक्सप्रैस, जो कि अमृतसर तो कलकत्ते जाती है। सो लुधियाने तो 1235 किलोमीटर का सफ़र डिस्टेंस तय करती है, तो 22 घंटे बाद पहुँचाएगी सानू पटना साहिब रेलवे स्टेशन के उपर। लुधियाने तो चलती है सवेरे 8 बजे तो पटना साहिब पहुँचाएगी जी कल सवेरे 6:30 बजे। सो आप जी ने होर पक्की ना सारी जानकारी आप जी साझी करते रहेंगे। तो हूँ असं खड़े हैं इस टाइम अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के उपर, तो देखते हैं किन्नी देर तक चलती है साड़ी ट्रेन। 5 मिनट का रुकने का स्टॉपेज सीगा, लेकिन 12:10:04 हो गए हैं, तो चलते हैं जी देखते हैं किन्नी देर तक चलती साड़ी ट्रेन। सो पूरे 10:05 से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन तो साड़ी ट्रेन चल पी है जी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के उपरों बिल्कुल राइट टाइम 5 मिनट का स्टॉपेज सीगा, तो पूरे 5 मिनट रुकने तो बाद ये ट्रेन चल पी है जी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के उपर। 10 बजे पूरे पहुंची सी, 10:05 से चल पी है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो मिलेंगे आप जी को अगले स्टेशन से जल्दी, तो देखते रहो मेरी वीडियो अखीर तक। सो हूँ मैं अपनी कोच दे विच अपनी सब तो उपरली सीट पर अपने कैबिन के लेटे हुए हैं। तो सो जिहड़ियां संगतां हुण आप जी ने जानकारी सांझियां करनी है कि जिहड़ियां संगतां पहलां पटना साहिब के दर्शन करके आ चुकी हुई ने, उन्होंने तो वड्डे भाग ने, उन्होंने तो सब पता सब जानकारी है, लेकिन जिहड़ियां कोई संगतां ऐसिया ने जिहड़ियां कि वीडियो देख रही ने लेकिन उन्होंने हजे तक पता नहीं पटना साहिब कदे गए नहीं गए। सो उन्होंने संगतां नूं एक जानकारी देनी सी कि जिहड़ी सब तो पहला जानकारी कि तुसीं कि ट्रेन में पटना साहिब जाना है, उस तो बाद आती है कि कितनी टिकट हैगी है, एसी जाना या स्लीपर जाना कितनी टिकट है, उस तो बाद आते हैं जी किन्ने दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए है कि पटना साहब जाने लिए असं सानू किन्ने दिन लगने जाए, मतलब किन्ने दिन का साडा उत्थे प्रोग्राम होना चाहिए कि असी अपने घरों तो चलना घर तो किन्ने दिन बाद वापस उतो ट्रेन पकड़नी, तो किन्ने दिन का टोटल प्रोग्राम होना चाहिए, तो कड़िया ट्रेना जाए पटना साहब में। मैं लुधियाने तो गल करा क्योंकि मैं लुधियाने तो बैठा वहाँ, तो बाकी जीडिया उतो भी अपने देख ही सकते हो, मैं तुम्हें छोटी छोटी जानकारी दे दाँगा कि ट्रेना जाए लुधियाने तो, दसो किन्ने किलोमीटर है लुधियाने तो, किन्ने घंटे लगते हैं जी पटना साहब जाने लिए, तो उत्थे जाके किहड़े किहड़े गुरद्वारा साहब है, असी सारे गुरद्वारा साहब जिन्हें जावे। सो अगलिया वीडियो दे विच तुसी देख सकते हो कि असी जिहड़े जिहड़े गुरद्वारा साहब जावे, सब तो पहला आंदा कि असी पटना साहब पहुँच के तो असी किहड़ी सरां दे विच जाके रुकना। सो आप जी नूं वीडियो देखते रहना, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना, तो नाल लगे बैल आइकॉन के बटन दबा देना ताकि आने वाली अगलिया सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप जी तक मिलती रहे। तो आप जी ने उत्थे जाके दिखावे कि असी कि सरावे जाके रुके हैं, तो उत्थे केड़ियां होर सरावान ने जिते कि असी तुसी जाके उत्थे कमरा वगैरह लै सकते हो। तो सब तो पहला जी ना जानकारी साझी करता कि तुसी केड़ी ट्रेन में जाना तुहानू चाहिए कि पटना साहब। सब तो पहला जी देखो जी लुधियाने तो मैं गल करा, लुधियाने तो 4 ट्रेना जांदियां ने, सब तो पहला एक ट्रेन जाती है जी 12318 अकाल तख्त एक्सप्रैस जिंदे विच कि असी अज सफ़र कर रहे हैं, उस तो बाद जाती है जी अमृतसर हावड़ा मेल जिहड़ी कि जिहड़ी अकाल तख्त है, ये लुधियाने तो सवेरे 8 बजे के 10 मिनट से चलती है, तो 22 घंटे का सफ़र तय करते हुए अगले दिन सवेरे 6:30 बजे उत्थे पहुँचती है। तो उस तो बाद आती है जी अमृतसर हावड़ा मेल, वो जाती है जी उनका ट्रेन का नंबर है जी 13006, वो अमृतसर तो चल के हावड़ा जाती है, तुसी उस ट्रेन के भी पटना साहब जा सकते हो। वो लेकिन ट्रेन चलती है जी लुधियाने तो राती 8:50 से, तो वो ट्रेन तो तुसी सफ़र बिल्कुल ही ना करो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेकार ट्रेन है, उनके स्टेशन के स्टॉपेज भी बहुत ज़्यादा, तो वो राती बहुत लेट पहुँचाती है पटना साहब। सो जिहड़ी जिहड़े कि रात को सफ़र करना चाहते हैं, जिहड़ा रात को सफ़र करना पसंद करते हैं, वो तो इस ट्रेन के सफ़र कर लैन, लेकिन मैं ही कहांगा कि अगर तुसी पटना साहब आना तो सब तो बेस्ट है कि तुसी इसे ट्रेन के ही आओ 12318 अकाल तख्त एक्सप्रैस ट्रेन के। उस तो बाद एक होर ट्रेन जी है वो जाती है जी 12
1232 1232 12332 हिमगिरी भी चलती है जी लुधियाने तो चलती है, यह भी पटना साहब जाती है, ये जाती है जी अद्धी रात को 3:30 बजे तो ये भी बिल्कुल बेकार टाइम इनका जान का, यह भी अद्धी रात को 1:45 पर पहुँचती है जी उत्थे पटना साहब रेलवे स्टेशन पर। तो उस तो बाद एक ट्रेन होर जाती है जी लुधियाने तो, यह ट्रेन का नाम है जी अर्चना एक्सप्रैस। ये जी ट्रेन है ये जाती है जी रात को 10 बजे जाती है अर्चना एक्सप्रैस। ये जी ट्रेन है ये जाएगी तो लुधियाना तो पटना जंक्शन तक, ये जी ट्रेन है जी दसी अर्चना एक्सप्रैस, ये पटना साहब नहीं जाती, ये जी ट्रेन जाती है जी पटना जंक्शन तक। सो सब तो वधिया ट्रेन, अगर आप जी 2-4 दिन थोड़े दिन अगर आप जी सीटा किसी कारण करके सीटा बुक होंगे रश होंगे सीटा नहीं मिलती ट्रेन दियाँ, तो आप कोशिश करना कि आप 12318 अकाल तख्त एक्सप्रैस जो कि अमृतसर तो चल के कलकत्ता जाती है इस ट्रेन के उत्ते ही आप जी इतने पटना साहब आना, क्योंकि इस ट्रेन के जो टाइम लगता वै इस ट्रेन के टाइम लगता है जी लुधियाना तो 22 घंटे का सफ़र तय करती है, 22 घंटे के लुधियाने तो 8 बजे चल गए तो अगले दिन सवेरे 6:30 बजे वह तो वह 7 बजे या 8 बजे तुम्हें पटना साहब पहुँचा देगी। तो इस ट्रेन जी 1200 लुधियाने तो दूरी है जी 1235 किलोमीटर। तो एक होर इस ट्रेन की खास गल एव है कि यह लुधियाने तो सिर्फ तो सिर्फ पटेला साहब के रस्ते जाते सिर्फ ओनली 11 स्टेशनों पर ही रुकती है, मेन स्टेशनों पर ही रुकती है, होर किसी स्टेशन पर नहीं रुकती। सो बहुत ही वधिया ट्रेन है, बहुत ही वधिया ट्रेन है इस ट्रेन के अगर आप जी ने आना। तो सो दूसरी गल अगर आप इस ट्रेन के आना चाहते हो तो सो इस ट्रेन के आप जी सीटा बुक कराना एसी दियाँ, इस ट्रेन के आप 3rd AC दियाँ सीटा बुक करवाना, क्योंकि जी जे अगर आप जी ने स्लीपर इस ट्रेन सीटा बुक कराइया तो स्लीपर के बहुत ज़्यादा बुरा हाल होंगे, तो अगे मैं तुम्हें दिखा भी देवगा जो पिछले नहीं है तो मैं अपनी वीडियो दिखा दाँगा कि स्लीपर का किन्ना, मैं थोड़ी जी क्लिप बनाया सीगा कि स्लीपर करो कोच के जाके स्लीपर के बहुत रश है। बाकी देखो जी हर एक चीज़ के कोल अपने अपने हर बंद का पैसे का अपना अपना हिसाब होंगे वै, किसी के बंदे के कोल पैसा किस तरह होंगे या किसी के कोल नहीं होंगे। सो अगर आप जी पैसा थोड़ा जहा वध लगा सकते हो लुधियाने तो टिकट हैगी है जी स्लीपर क्लास की इस ट्रेन के 550 रुपया, तो जे तुम AC की कराओगे इस ट्रेन के लुधियाने तो पटना साहब की ट्रेन का किराया है 1550 रुपया। सो अगर आप जी थोड़ा दिन रुक के प्रोग्राम बना सकते हो, अगर आप सोच रहे हो आना कि असी पटना साहब जाना कि असी स्लीपर दी सीटा बुक करा लीए, सो मेरी तो आप जी नूं अगे बेनती है ही रहेगी कि अगर आप जी थोड़े दिन रुक के चाहे महीना रुक के आ जाओ चाहे 2 महीना रुक के आ जाओ पर आइयो तो AC क्लास के AC के कि बिल्कुल तुहानूं कोई घबराहट नहीं होंगी कोई कुछ नहीं होंदा, AC का बिल्कुल कोच खाली होंदा जिस तरह तुसीं देखिया मेरे कोच दिखाया भी है तुहानूं मैं पहलां तो मैं दिखा भी देवगा जिस तरह AC का। तो स्लीपर के बहुत ज़्यादा रश हों बच्चों वगैरह के नाल गर्मी के तो बहुत ज़्यादा बुरा, हूँ असी बैठे हुए जी मी जून का महीना चल रहा तो असी हूँ AC 3rd AC टिकटा लीतिया हुई ने तो AC के सफ़र कर रहे हैं, कोई थकावट नहीं महसूस हो रही कोई गर्मी नहीं लग रही। बाकी आप जी जिस तरह चंगा लगता आप जी ने AC की सीट बुक करानी AC की कराओ, आप जी ने स्लीपर की सीट बुक करानी स्लीपर की बुक कराओ। तो सो कहने का मतलब है कि आप जी ने जो भी प्रोग्राम बनाना पटना साहब आने का तो आप जी पटना साहब आओ 12318 अकाल तख्त एक्सप्रैस, ये हफ्ते में 2 बार चलती है जी लुधियाने तो अमृतसर तो लुधियाना सेम ही है, उतों चलती जी लुधियाने तो मंगलवार चलती है तो एक चलती है शुक्रवार, 2 दिन चलती है मंगलवार तो शुक्रवार, इधरों चलती है पंजाब तो जाती है जी पटना साहब वाली साइड। तो सो जी वही ट्रेन है उधरों वापसी भी आप जी ने सीटा बुक करानी है तो वापसी भी आप इस ट्रेन दियाँ ही सीटा बुक कराओ, उधरों चलती है जी ये ट्रेन ऐतवार तो बुधवार। सो हुण रही गल कि किन्ने दिनों का असी प्रोग्राम बना के जाइए पटना साहब का, सो पटना साहब का प्रोग्राम जिस तरह हुण असी अज जा रहे हैं जी पटना साहब, असी साड़ी अज हैगा जी शुक्रवार, असी शुक्रवार लुधियाने तो चलांगे तो शनिवार पहुँचांगे उत्थे, मतलब कि शुक्रवार चल के शनिवार उत्थे, ऐतवार सोमवार मंगलवार तो बुधवार को साड़ी ट्रेन की इसे ही वापसी है, तो असी वीरवार को लुधियाने पहुँचांगे, तकरीबन 7वें दिन वापसी होएगी साड़ी घर लुधियाने के 7 दिन लग जाते हैं। बाकी अगर आप जी जल्दी भी आना चाहते हो तो उधरों होर भी ट्रेन आदियां ने उसका भी तुसी पता करके वापस आ सकते हो, लेकिन घट्टो घट आप जी प्रोग्राम रखना जी इन्नी दूर आना भी है तो घट्टो घट ही तुहाडे कोल खुला टाइम 7 दिन का होंगे, 7 दिन के बहुत वधिया दर्शन हो जाते हैं गुरुद्वारे, क्योंकि
ਦੋ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਤਲ ਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਲਿੱਪਰ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਲਿੱਪਰ ਕੋਚ ਦਾ। ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਚ ਨੰਬਰ 25 ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਿੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਲਿੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਿੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਿੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਚ। ਪੂਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਲਿੱਪਰ ਦਾ S10। ਹੁਣ ਸਲਿੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਲਿੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਲਿੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਾ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਲੂ ਕਰੇਲੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 4-5 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਬਰੇਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ 4:51 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ 4:54 'ਤੇ ਦਾ ਝੁਮਕਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਬਰੇਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ 4:54 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ 4:54 'ਤੇ। ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ ਝੁਮਕਾ ਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਝੁਮਕਾ ਗਿਰਾ ਰੇ ਬਰੇਲੀ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਝੁਮਕਾ ਸਿਟੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਝੁਮਕਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਬਰੇਲੀ 4:54 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਪੂਰੇ 4:58 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਬਰੇਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਝੁਮਕਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਏ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਕੰਬਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ,
ਸਾਡਾ ਬਿਸਮਨ ਵੀ ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਬਲ ਲਿੱਤਾ ਆ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਇੱਕਦਮ ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਏਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 9:12 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 713 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਬੋ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਨਵਾਬੋ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ 8:05 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 9:14 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਲਖਨਊ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ 9:29 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਖਨਊ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 9:29 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲਖਨਊ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਹੁਣ 9:00 ਨੇ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10:30 ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਏਸੀ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਥਕਾਵਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ 10 ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਸਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਣੇ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ 5:00 ਨੇ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ 5:30 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 5:00 ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 1225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਪੂਰੇ 5:40 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਤੇ 5:37 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਔਨ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ 12:318 ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੋਨੇਹਾਲ
लो जी पहुँच चुके हैं जी असं हूँ बिल्कुल राइट टाइम से पटना साहिब रेलवे स्टेशन से हम असं इतने उतरते हैं तो अपना समान वगैरह उतार दें समान वगैरह उतार लीजिए चलो लगा दो जगह लगा दो सारे सो पूरे 6:08 से असी 1235 किलोमीटर का सफर तय करके लुधियाने तो पूरे राइट टाइम 6:08 से पटना साहब पहुँच गए जी। तो यह जो मेरे पिछे देख रहे हो यह है पटना साहब का रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उपर आई है साड़ी अज की ट्रेन 12318 अकाल तख्त एक्सप्रैस से चलते हैं हूँ स्टेशन तो बाद तो मिलते हैं आप जी ने स्टेशन के उत्ते जगाना लगा दी है सारे जी बोले सोनिहाल श्री अकाल। चलो जी चलते हैं हूँ बाहर स्टेशन तो देखते हैं उस तो हूँ किस तरह कितने जाते हैं तो कितने लैके लुकते हैं अभी कितने लेंगे अभी अपने कमरे सारी वीडियो आप जी ने करते रहेंगे सांझी। सो असं हूँ स्टेशन तो खड़े ही हुए हैं जा रहे हैं अपने बाहर निकले तो साढ़े खड़े खड़े तुम देख सकते हो अकाल तख्त एक्सप्रैस साड़ी जी ट्रेन सू छके चली भी गई है बिस्मन बाय कर दे ट्रेन बाय कर दे जल्दी बाय कर दे तू ये जा रही है जी अकाल तख्त एक्सप्रैस ट्रेन है भाई बाय बाय मिलेंगे तेन अकाल तख्त एक्सप्रैस बाय बाय जी बाय। चलो कई बाय 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 पटना साहब कई अकाल तख्त एक्सप्रैस साड़ी तो आ गया जी पटना साहब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो हूँ असं बाहर जा रहे हैं हौली हौली पूरे 6:17 जी असं जा रहे हैं गेट तो बाहर यह है एग्जिट गेट नंबर 2। सो हूँ असी खड़े हैं जी पटना साहिब रेलवे स्टेशन के बाहर तुम देख सकते हो कि गुरुद्वारे के लुक में बनाया हुआ बाहरों रेलवे स्टेशन का गेट सारा ए लगता कि जिस तरह असं किसी गुरुद्वारे के बाहर खड़े हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन का गेट जिते असं उतरते हैं तो चढ़ते हैं। सो इतें हूँ मैं अपनी सी अपनी अज की वीडियो की कर दें समाप्ति अगर वीडियो आप जी ने चंगी लगी हो लाइक जरूर कर देना तो अगर किसी कोई सवाल हो जवा कमेंट करके पूछ सकते हो तो इतने हूँ असं अपनी वीडियो की कर दें समाप्ति तो मेरे चैनल अगर नहीं किया आप जी ने सबसक्राइब तो चैनल में कर लियो सबसक्राइब ताकि आने वाली अगलिया सारिया वीडियो की नोटिफिकेशन आप जी तक मिलती रहे तो हूँ इस तो बाद असी आप जी ने अगली वीडियो से दिखावे कि असी सानू कितने रहने सरावं मिली हैं कितने असी रुके हैं सानू कमरा वगैरह कितने मिले वै तो अगली वीडियो सारी आप जी ने जानकारी साझी करा तो उस तो बाद आप जी गुरुद्वार की साझी करा जानकारी कि गुरुद्वारा साहब च गए थे तो इतने हम असं अपनी वीडियो की करते हैं एंडिंग समाप्ति वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।